बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर जल्द ही अब एक नागिन ट्रायलॉजी में इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाती नजर आएंगी। इस प्रोजेक्ट का आइडिया विशाल फुरिया का है जो इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और उन्हें निखिल द्विवेदी का साथ मिला है जो इसके प्रोड्यूसर हैं। इस इच्छाधारी नाग नागिन की मोहब्बत और नागिन का बदला आज भी लोगों को रोमांचित करता है। और अब अगर नागिन फिल्मों की बात करें तो इस थीम पर हिंदी सिनेमा में कई फिल्में आ चुकी हैं और इनमें कई जानी मानी एक्ट्रेसेस काम भी कर चुकी हैं। तो चलिए बताते हैं आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो ऑन स्क्रीन बनी इच्छाधारी नागिन। विजयंती माला। इस लिस्ट में सबसे पुरानी और यादगार फिल्म 1954 में आई नागिन है। इस फिल्म में प्रदीप कुमार और विजयंती माला ने मेन रोल्स निभाए थे। ये दो दुश्मन आदिवासी कबीलों सपेरो के किरदार माला और सनातन की प्रेम कहानी थी। इस फिल्म का म्यूजिक बेहद पॉपुलर रहा था और सॉन्ग मेरा तन डोले में बीन की आइकॉनिक धुन सपेरो का एंथम बन गया था। रीना रॉय। नाग नागिन की थीम पर सबसे ज्यादा पॉपुलर 1976 में आई फिल्म नागिन रही, जिसमें उस दौर के कई बड़े स्टार्स ने काम किया। इनमें सुनील दत्त, जितेंद्र, फिरोज खान, संजय खान, रेखा और मुमताज जैसे स्टार शामिल थे। इस फिल्म की कहानी इच्छाधारी नाग नागिन के प्यार और बाद में नागिन के बदले पर बेस थी। एक्ट्रेस रीना रॉय ने नागिन और जितेंद्र ने नाग का किरदार निभाया था। इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया था कि कई हजार साल की उम्र पाने के बाद नाग नागिन इच्छाधारी हो जाते हैं और अगर नाग को कोई मार दे तो नागिन की आंख में उसका फोटो आ जाता है। इस फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार कोहली ने किया था। श्रीदेवी। इसके बाद 1986 में नगीना आई, जिसने नाग नागिन की पौराणिक कथाओं को बिल्कुल नए अंदाज में स्क्रीन पर पेश किया। श्रीदेवी और ऋषि कपूर ने इसमें लीड रोल निभाया था। इस फिल्म के गाने और नागिन के रूप में श्रीदेवी को जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। ये फिल्म बड़ी हिट भी रही। फिर इसके सीक्वल निगाहें में भी श्रीदेवी ने नागिन का रोल निभाया था और सनी देओल इस फिल्म के हीरो बने। हिंदी सिनेमा में किसी फिल्म का पहली बार कोई सीक्वल बना था। मलिका शेरावत। साल 2010 में आई फिल्म हिस में बॉलीवुड एक्ट्रेस मलिका शेरावत ने नागिन का रोल निभाया था। इस फिल्म में इरफान खान भी थे, हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। जाहिर है कि काफी लंबे अरसे के बाद अब स्क्रीन पर श्रद्धा कपूर अपने नागिन अवतार से लोगों का दिल जीतने आ रही हैं। देखते हैं कि अपने नागिन अवतार से क्या वो लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगी। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में, शेयर कीजिए अपनी राय। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।